वेलकम, दिस इज मी फिया फूड एंड फ्लेवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं यमी सी चाट, जिसके लिए मैंने लिए हैं बॉयल चने। और बहुत आसानी से यमी सी आपके घर में चाट बन जाएगी। और मैं इसके ले रही हूँ, मैंने पानी वाली बुनकियाँ ली हैं जो बाज़ार में मिलती हैं, उसको मैंने गर्म पानी में सोख करके निकाल लिया है। और यह बॉयल आलू लिए हैं मैंने, और पापड़ी ली है, और इसको मैंने बॉयल पोटैटो को क्रूस कर लिया है। ये दही ली है, एक कप इमली का पल्प लिया है मैंने, और इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। ये मसाला मैंने जीरा, कुटी हुई मिर्चें और साबुत धनिया को मैंने उसको कूट लिया है, भून के कूट के रख लिया है। और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा चाट मसाला लिया है और नमक लिया है, और मैंने हरा मसाला लिया है जिसके अंदर मैंने एक टोमेटो को बारीक चॉप कर लिया है, ऑनियन लिया है उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, हरी मिर्चें काट लिया और हरा धनिया। चलें हम स्टार्ट करते हैं यमी से हम चाट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं डालूंगी बॉयल चने, जो हम अपनी डिश के हिसाब से डालेंगे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दिस इज मी फिया फूड एंड फ्लेवर्स। और जो भी आपको कुछ फरमाइश हो ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसके यहाँ डालने जा रही हूँ योगर्ट, दही डाल रही हूँ। देखें इसको मैं पूरा इतना मिक्स नहीं करूँगी, लाइट लाइट सा हर जगह थोड़ा थोड़ा सा डालूँगी। अब मैं डालने जा रही हूँ, ये मैंने बुनकियाँ डालूँगी, दही बड़े की बुनकियाँ हैं जो मैंने बाज़ार की ली हुई हैं, उसको मैं पानी में से निकाल लिया है। इसको मैं थोड़ा सा अभी डालूँगी आपके सामने, इसके ऊपर फिर मैं दोबारा दही डालूँगी। पहले मैंने हाफ कप डाला था, अब मैंने पूरा डाल दिया इसके अंदर। अब इसके बाद जो है मैं दोबारा से इसके अंदर बुनकियाँ डालूँगी आपके सामने। और देखें कि मैं थोड़ी और बुनकियाँ इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा हम जो है मिक्स आउट करेंगे। देखिए हमारा इसको मैंने डाल दिया, और अब मैं इसमें बॉयल पोटैटो डाल रही हूँ जो मैंने क्यूब्स के अंदर काट के रख लिए थे, और ये डाल दिए। ये चाट तो आलू के बगैर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ना, तो आप ये ज़्यादा भी डाल सकते हैं कम। अब मैं डालने जा रही हूँ खट्टा पानी, ये यानी कि इमली का पल्प है जो मैं आपके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ग्रेजुअली डालती जा रही हूँ। आपको अच्छा लगे, अगर आप नहीं डालना चाहते ना डालें, इज़ अप टू यू। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले हैं, ये तीनों मसालों को मैं पहले अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी ताकि वो कहीं पर खट्टा या मिर्चों वाला पर अलग सा नज़र ना आए, या तेज़ नमक कहीं फील ना हो। तो इसको मिक्स करके मैं इस मसाले को डालूँ, चाट मसाला, नमक, जीरा, भुना हुआ धनिया और तीनों चीज़ों को, और कुटी हुई मिर्चें, इन तीनों को चीज़ों को मिक्स कर लिया। और मैं उसके अंदर ग्रेजुअली स्प्रेड करती जा रही हूँ ताकि हर जगह डालूँ तो सब जगह इक्वली सा टेस्ट आए आपको। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये हरा मसाला से टोमेटोज डाली और ग्रीन चिलीज डाली मैंने, और अब मैं थोड़ी सी प्याज डाल रही हूँ इसके अंदर, ऑनियन चॉप करी हुई रखी हुई थी मैंने, और हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए मैंने इसके अंदर सा स्प्रिंकल कर दिया। ये डाइट वालों के लिए बहुत अच्छा, जो आजकल जो डाइट में हैं उनके लिए बहुत अच्छी यमी थी, लो फैट डाइट के लिए बहुत। अब ये पापड़ी अब मैं डाल रही हूँ, इसको आप चाहे डालें या ना डालें, कुछ लोग पापड़ी पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने सिर्फ दो ही पापड़ी ली हैं तो मैं इसके अंदर इसको बिल्कुल बारीक सा चॉप करके आपके सामने डाल रही हूँ। हमारी यमी सी बस तैयार हो गई है चाट, आप इसको ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसको बताइएगा ज़रूर आपकी ये कैसे बनी। दिस इज़ मी फिया फूड एंड फ्लेवर्स, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ये मैं थोड़ा सा सोचूँ थोड़ा सा इमली का पल्प ज़रूर डालूँ, क्योंकि ज़रा सा खट्टापन दिखना चाहिए, ज़रा सा मज़े का लगता है। अगर आप चाहें तो आपको अच्छा लगे ये तो डालिए, वरना नहीं डालिए। एज़ यूजल किसी को खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं होता, लेकिन ये मज़े का। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, थैंक यू।